आज भारतीय संगीत जगत में गायिका पलक मुंछाल का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। बहुत ही कम उम्र में पलक ने अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में कई कलाकारों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पलक ने अपनी मखमली आवाज़ से बॉलीवुड म्यूजिक को और आगे बढ़ाने का काम किया है। वो जितने सुरीले अंदाज में गायन करती हैं उतनी ही वह दिल की भी नेक और कोमल है। इतनी छोटी सी उम्र में पलक ने सिंगिंग के साथ ही समाज सेवा के लिए जो काम किया है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। 29 वर्ष की छोटी सी उम्र में पलक बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। पलक मुच्छल का जन्म 30 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में एक मिडिल क्लास माहेश्वरी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम राजकुमार मुच्छल और माँ का नाम अमिता मुच्छल है। उनके पिता एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे, वही माँ अमिता गृहिणी है। गायन में रुचि को देखते हुए पिता ने पलक को संगीत की शिक्षा के लिए भेजा और महज 4 साल की उम्र में पलक ने गायन भी शुरू कर दिया। पलक पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी है, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित है। पलक मुच्छल ने अपनी स्कूली शिक्षा श्री अग्रसेन विद्यालय स्नेह नगर इंदौर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंदौर के कॉलेज में कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पलक अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़ी है। उनका एक छोटा भाई पलाश मुच्छल भी है। पलाश मुच्छल भी पलक की तरह ही बॉलीवुड सिंगर हैं। पलक हमेशा से ही अपने छोटी भाई पलाश को सपोर्ट करती आई है। पलक मुच्छल शुरू से ही सोशल काउज का हिस्सा बनती रही हैं। पलक वर्षों से हार्ट पेशेंट बच्चों का इलाज कराने में आर्थिक रूप से मदद करती हैं, जिसकी प्रशंसा बॉलीवुड के साथ ही पूरा देश भी करता है। दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन के लिए चैरिटी फंड जुटाने वाली पलक को इस मुहिम को चलाने में अभिनेता सलमान खान से भी सपोर्ट मिला है। गरीब परिवारों के बच्चों को दिल की बीमारी से निजात दिलाना ही पलक के जीवन का एक अहम मिशन है। पलक चैरिटी शो के माध्यम से जुटाए गए धन से अब तक हजारों गरीब बच्चों के दिल की सर्जरी करा चुकी हैं। इस मुहिम में उनके साथ छोटे भाई पलाश भी साथ खड़े रहते हैं। दोनों मिलकर देश विदेश में प्रस्तुतियां देकर हर्ट पेशेंट बच्चों की मदद के लिए रकम इकट्ठा करते हैं। समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पलक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। इसके अलावा भारतीय सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी पलक मुच्छल को कई पुरस्कारों से नवाजा है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा लेने वाली पलक मुच्छल 17 भाषाओं में पूर्ण रूप से पारंगत मानी जाती हैं। हिंदी के अलावा वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली आदि भाषाओं में भी गायन कर चुकी हैं। साल 2011 में पलक ने बॉलीवुड के हिंदी गानों से अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म दमादम के लिए गाया था। इसके बाद पलक ने कई हिट फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि फिल्म एक था टाइगर, आस्की 2 और MS धोनी के बायोपिक में गाए गानों से मिली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।